ओके यहां देख लो, व्हाट इज दिस? दिस इज रियलिटी, यस और नो? करेक्ट। तो बिना पढ़ाए मैं छोड़ूंगा नहीं, जिसके लिए आप आए हो वो आप बिना दिखाए मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। आज मैं आज आपको कुछ सिखाता हूँ, ऐसे कुछ सिखाऊंगा इसके बाद और आपको सेटअप्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज जो मैं बताने वाला हूँ, आप बाय करो, सेल करो, इन्वेस्टिंग करो, जो करना है करो, पैसा आएगा। कि भाई मेरे को पैसा चाहिए, बाय करूँ, सेल करूँ, फ्यूचर करूँ, पैसे घर आना चाहिए, ये सुनो। कितना प्रॉफिट दिख रहा है? 74, 75। फोकस ऑन एनालिसिस, फोकस ऑन मनी मैनेजमेंट, सेटअप, जैकपॉट, ये सारे कभी काम नहीं आते। नींद आने वाली नहीं है, क्यों? मैंने आपको ट्रेंड रिवर्सल बताया था, व्हाट इज दैट कॉल्ड? 5 PM है रेंज ब्रेकआउट। जितने लोग मेरे कोर्स किए हैं, मैं 2020 से आपको बताया हूँ किस तरीके से मॉर्निंग में मार्केट मूव करता है। ओके, सबसे ईजीएस्ट। लेकिन अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ओके, इस सेटअप को कुछ नाम देना पड़ेगा, सो दैट इट विल गोइंग टू डू, मतलब वो फेमस हो और सब लोगों को पता चले, कहीं जाने का जरूरत नहीं है, इसी से पैसा बन सकता है। 5 PM में इश्यू क्या था? ट्रेंड रिवर्सल मिलता था, यस और नो? और हम लोग, मेरे को खुशी यही है कि नहीं, लोग मुझे कमेंट करते हैं जैसे 3 SL हिट हुआ, 4 SL हिट हुआ, मैं बोलता हूँ बहुत अच्छा हुआ। आप अगर तभी कर रहे हो, दैट मीन्स आपको बड़ा प्रॉफिट आने वाला है। अभी मैं आपको बताऊँ, 500,000 पॉइंट का मोमेंटम आप चाहकर भी मिस नहीं कर सकते, दैट टू डायरेक्शनल। आज करें डायरेक्शनल, रेडी? चलो, आप बाय करो, सेल करो, इट्स अप टू यू। मैं अभी 9000 क्वांटिटी शॉर्ट करने के लिए मुझे लग, मतलब 4-5 करोड़, मैं अगर उसमें बाय करूंगा क्या नींद आएगी मेरे को? 7-8 लाख क्वांटिटी हो जाएगी, आप समझ रहे हो? एक टाइम आएगा, लाइक ए सेड कि नहीं, ट्रेडर आप स्टार्ट करोगे स्टॉक से, बाइंग से, फिर सेलिंग में, फिर आप इन्वेस्टिंग में बाई डिफॉल्ट चले जाओगे। धीरे धीरे ऐसे पैसा बढ़ते जाएगा। तो दैट मीन्स क्या मुझे ऑप्शन बाइंग से प्यार है? नहीं, मैं ट्रेडर हूं, जहां पैसा मिलेगा मैं वहीं जाऊंगा। आप कभी ना, अभी आप, मैं 2018 बैच को बोलता था, आप लोग बहुत लकी हो कि नहीं, आप लोगों को अभी क्लासेस मिला है। ऐसे भी कोई क्लासेस नहीं है, डोंट वरी, ऐसे मत ये करना ही कोई क्लासेस है, कोई क्लासेस इन फ्यूचर नहीं है। उन लोगों को बार बार ये लगता था कि नहीं, मैं उनको बोलता था आप लोग बहुत लकी हो, क्योंकि मैं आपको लाइव चीजें करके दिखा रहा हूं। ट्रेडर्स कार्निवल मुझे याद है, मेड 50 लाख इन ए डे। मार्केट 1300 पॉइंट फॉल हुआ था, हमने बाई भी किया, सेल भी किया, सारा चीजें किया। फिर उसके बाद जो सूरत से लोग आते हैं, अपने कार्ड चिपका के गए मुझे कि 50 करोड़ का फंड है, 100 करोड़ का फंड है, आप मैनेज करोगे क्या? मैंने बोला ये करना होता तो आपको पहले से ऑफिस दिख चुका होता। कभी भी मेरे साइड से कोई पर्सन आपको कॉल किया है? चांस ही नहीं है। हाँ, कोई अगर फेक वेक है तो अलग बात है। ओके, तो चलो अभी हम लोग डायरेक्टली सीखते हैं व्हाट इज, आप किस तरीके से ट्रेडिंग से एक पैसा कमा सकते हो। ओके, चलो, ओके, ये सेटअप का नाम क्या देंगे? मैं थोड़ा सा सोच लेता हूँ, नाम क्या देंगे बताओ आप लोग? मेरे को कॉपी चाहिए, मेरा नाम क्या देंगे? थैंक यू। हाँ, क्या देंगे? अच्छा अच्छा, मैं सिंप्लीफाइड कर देता हूँ। आपने ट्रैफिक लाइट देखा हुआ है, येल्लो साइन का काम क्या होता है? लगभग कुछ काम होता ही नहीं। रेड है तो भाई हम अगर आधे निकले हुए तो निकल जाओ, देखा जाएगा। काम दो चीजों का होता है, एक रेड और एक ग्रीन। फॉरगेट अबाउट योर, मतलब आप स्टॉक मार्केट में बोल रहा हूं, अगर आप कुछ नहीं सीख के आओगे तो मैं आपको इजीली ट्रेडर बना सकता हूं, लेकिन सीख के आए हो ना, मेरे को बहुत ज्यादा टेंशन है, मेरे को बहुत ज्यादा टेंशन है। आप सर वहां रेजिस्टेंस दिख रहा है, भाई रेजिस्टेंस कैन ब्रेक, सपोर्ट कैन ब्रेक, दिख रहा है, ठीक है, आपको एंट्री मिला है तो लेना पड़ेगा, यस और नो? तो हम लोग सेटअप का नाम ले देते हैं ट्रैफिक लाइट सेटअप, साउंड्स गुड? तो दैट मींस आपको ग्रीन और रेड के बीच में काम करना है। जैसे आप M2M देखते हो, ग्रीन रेड सेम, उस तरीके से आपको एंट्री लेना है, यस और नो? 25 जनवरी, मैं आपको बता रहा हूं, मैं सुबह उठा, मार्केट देखा बहुत अच्छा है, मैं सोचा सेल करूं क्या करूं, फिर लगा कि नहीं, टुडे इज द बेस्ट डे फॉर बाइंग। ओके, तो समय आ रहा हूं, मैंने 36,000 ऑप्शन बाई किया था, ज्यादा नहीं किया था क्योंकि वो डे पे अच्छा मुझे दिख रहा था। ओके, तो ऑप्शन अगर मैं
उस दिन आपको अगर दिखाऊं समय अराउंड 1.44 का इंट्राडे में प्रॉफिट हुआ था, आपको मे भी सही से दिख नहीं रहा होगा, 141 से बाय था, 367 में बेचा था मैंने, उस दिन आधा घंटा लगा, मैं कंफ्यूज था कि नहीं मैं आज ट्रेड क्या लूं, मैं ऑप्शन सेल नहीं किया, बाय किया, क्यों? क्योंकि प्रीमियम मैं आपको चार बार बता चुका हूं कि नहीं वीक्स कम है, दिस द बेस्ट टाइम, ऑप्शन बाय करना स्टार्ट कर दो, अदरवाइज आप फंस जाओगे, ओके? आज मैं वो सेटअप आपको बताने वाला हूं, हाउ मैंने उस दिन क्या देखा था ऐसे मार्केट में जो मैंने ट्रेड लिया और आधे घंटे के अंदर पैसा बन गया. यस, इजी, इंटरेस्टेड? ओके, देखो आप फोन में वीडियो बनाओ, कुछ बनाओ, लिख लो थोड़ा सा, मैं हूं कि नहीं हूं. देखो एक दो चीजें मैं बता रहा हूं आपको, इधर आप ट्रेडिंग सीखते सीखते मेरे पास आओगे, आप फिर एक दिन पैसा कमा लोगे फिर मेरे पास आओगे, लेकिन आना तो पड़ेगा. और जो जेन्युइन लोग हैं ना उनको बोलना नहीं पड़ेगा, मैं सिखा दूंगा. और जो जेन्युइन नहीं है ना, कभी ऑफर करके देखो मेरे मेल में कि नहीं सर 500 करोड़ है आप लोगे क्या मेरे को सिखाओगे, अगर मेल का रिप्लाई चला गया ना तो मेरा नाम चेंज कर दूंगा, कभी नहीं जाएगा. अरे भाई मेरे को दो प्लेट बिरयानी में प्लेट भर जाता है, मैं 1,100 करोड़ का करूँ क्या? एक मोटिव था कि नहीं लोगों को बताना ट्रेड, देखो मैं पर्सनल ग्रो करूं ना करूं ट्रेडिंग कम्युनिटी ग्रो करना चाहिए सन्नो. जो रेस्पेक्ट हम लोग को नहीं मिला है, हर एक जगह आके प्लेटफॉर्म में बोलते हैं कि नहीं ट्रेडिंग से पैसा नहीं मिलता, नहीं मिलता. भाई मैंने 5-5 करोड़ टैक्सेस पे किया है, कैसे बोल सकते हो तुम लोग? अब मेरा टैक्सेस पैसा टैक्स मतलब इनकम नहीं है. हाँ 99% लोग लॉस कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कौन सा 99% इन्वेस्टर पैसा बना ले रहे हैं? अगर आता नहीं भाई, अगर प्राइस 1,000 से 5,000 जाने वाला है 10 साल में, तो इट हैज टू मूव फ्रॉम इंट्राडे. यस और नो? कहां से मूव करेगा? इंट्राडे में. अगर आपको आता है करो, यू हैव टू से कि नहीं मेरे को इंट्राडे नहीं आता है, मेरा इन्वेस्टिंग सही है. डोंट से कि नहीं भाई ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनता. अगर कोई बोला ना यू नो क्या करना है, ये फेंक के देना है उनके मुंह पे, पैसा कोई तो बना रहा है. और ऐसे 10-15 और यूट्यूबर निकलेंगे जो अपना PNL दिखाएंगे और बोलेंगे हम भी कमाए हैं, फिर आप लोग बता सकते हो कि नहीं पैसा ट्रेडिंग से बनता है. यस और नो? नॉट जस्ट अ होप, इट्स पैसा. और अभी हम लोग चले जाते हैं डायरेक्ट सेटअप, ट्रैफिक लाइट सेटअप के ऊपर. ओके, ओह आप लोग एनर्जी अगर रहेगा तो फिर मैं आपको बोनस भी दे सकता हूं. मैं थोड़ा पॉइंटर लिख लिया हूं क्योंकि भावनाओं में कहीं बह ना जाऊं, तो इसके लिए तो, ओके तो चलो मैंने थोड़ा बहुत पॉइंट कवर कर लिया. डायरेक्टली हम लोग चलते हैं सेटअप के ऊपर. सिंपल सेटअप है, आग बंद करके 2 मिनट के अंदर सीख सकते हो, फिर हम लोग क्रॉस चेक करेंगे. ओके तो चलो हम लोग सेटअप सीखते हैं सीधा. मैंने जब आपको बोला ट्रैफिक लाइट सेटअप, दैट मींस आपके माइंड में यह आ चुका है कि नहीं इधर रेड और ग्रीन. यस और नो? मैं फॉरगेट अबाउट टाइम फ्रेम, अभी ये समझने की कोशिश करो ये कौन सा कलर का कैंडल है. ये, अरे बताओ कुछ भी बताओ ना. अरे भाई ब्लैक कलर का कैंडल है. क्या मजाक कर रहे हो? ओके ये ब्लैक कलर के कैंडल्स हैं. हाँ ओके इतना तो समझ में आ गया, इट्स ए ब्लैक कलर कैंडल. ओके तो दैट मीन्स अगर पकड़ लो कि नहीं यहां पे मैं रेड कलर भर दे रहा हूं और बोल रहा हूं कि नहीं ये रेड कलर है, और कहीं पे एक ग्रीन कलर भर दे रहा हूं और बोल रहा हूं ग्रीन कलर, तो इतना तो आपको समझ में आता है कि नहीं ये रेड कलर कैंडल बन गया और ये ग्रीन कलर कैंडल बन गया. इतना तो समझ में आ गया, बस आप सेटअप सीख गए. आप सेटअप सीख गए, प्रूव करूंगा, डोंट वरी. अभी आपका दिमाग खुला होना स्टार्ट हुआ है, ये क्या हो रहा है, डाटा कहां है? अरे डाटा आप मेरे से आप लोग अच्छे पढ़ा सकते हो. डाटा आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूं, सब लोग देख रहे हैं. आपको कुछ ऐसे देखना है जो कोई नहीं देख रहा, और विच इज कॉमन सेंस. अभी मैं आपको कॉमन सेंस सिखाने वाला हूं. रेड ग्रीन, समझ में आ गया? यस. अगर मैं बोलूं मार्केट में आपको पेयर ढूंढना है, रेड ग्रीन कहां दिख रहा है, आप ढूंढ पाओगे? अभी ढूंढते हैं. ओके तो पहले आपको थोड़ा सा बता देता हूं. आपको चलो पहले
स्कैल्पिंग से स्टार्ट करते हैं, खत्म करेंगे इन्वेस्टिंग तक। स्कैल्पिंग के लिए टाइम फ्रेम ऑब्वियस 1 मिनट, फिर 5 मिनट आएगा, लिख लो 1 मिनट टाइम फ्रेम। एग्जाम्पल देखेंगे, डोंट वरी, मैं छोड़ूंगा नहीं, डोंट वरी। दिमाग खुलने वाला है अभी, ओके, आई लव यू टू। अभी 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 आ जाते हैं हम लोग 1 मिनट टाइम फ्रेम में। मैंने क्या बोला, आपको देखना है पहला कैंडल छोड़ दो, 1 मिनट का पहला कैंडल बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है, तो लिख दो पहला 9:15 कैंडल हम लोग देखेंगे नहीं, छोड़ दो, जाने दो, जिनको बहुत जल्दी है ट्रेड करने का उनको करने दो। हम लोग देखेंगे 9:16 ऑनवर्ड्स कैंडल देखेंगे, देखेंगे क्या उसके अंदर, ग्रीन रेड खत्म। ट्रेड कैसे लेगा, देखना क्या है पहले देख लो, ग्रीन रेड, ओके। चलो चलते हैं चार्ट्स के अंदर ग्रीन रेड ढूंढने, पहले चल जाते 25 जनवरी, फिर हम लोग रिसेंट चार्ट्स भी देखेंगे, सो दैट यू विल गेट एन आइडिया कि ने मैंने उस दिन 1 करोड़ कैसे कमा लिया, दैट टू कि ने बाइंग के अंदर, जो कि मैंने, मुझे याद है मैंने 2020 में ऑप्शन बाई किया था, वो भी 2 लाख से 60 बना था जब मार्केट नीचे गिरा था। आई एम होपिंग कि नहीं मार्केट और कब गिरे, मतलब सॉरी फॉर द इन्वेस्टर्स एंड ऑल, बट मार्केट अगर 16,000 पॉइंट या 15,000 पॉइंट अगर एक महीने में गिर सकता है, बस आप इमेजिन करो कि नहीं 2-3 साल के अंदर ट्रेडर बन जाओ, 1 महीना चाहिए आपका सारा पैसा रिकवर होने के लिए या वेल्थ बनाने के लिए। डेमो मिल चुका है, 2020 में मिला है, 1,000-1,000 पॉइंट मार्केट में गिर रहे हैं, आप क्या चिंदगिरी करते हो कि नहीं भाई 50 पॉइंट बता दो, 30 पॉइंट बता दो, आप मुझे समझ नहीं आता। पैसा मोटा चाहिए मुझे भाई, 800 पॉइंट में इन द मनी पे हूं, मार्केट और गिरेगा तो 1,000 पॉइंट हो जाएगा, कितना लॉसेस लगेगा 1,000 पॉइंट निकालने के लिए। मैं अगर 100-100 पॉइंट का 10 SL दूंगा तभी जाके मेरा 1,000 पॉइंट जाएगा, यस एंड नो, तो मार्केट में मैं ज्यादा टाइम बच सकता हूं। इन्वेस्टर लोग क्यों पैसा कमाते हैं आपको पता है, दे हायर हैविंग रिस्क टू रिवॉर्ड ऑफ 1:100, 1:20, 1:200, 500। मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड 1:10, 1:20, 1:50 एज ए ट्रेडर। ट्रेडिंग का जब आता है 1:2-3 से सर ज्यादा मिलता नहीं है, मैं बताता हूँ 5 PM में तो मिल रहा था, इसमें भी मिलना स्टार्ट होगा, ओके। चलो हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग कैंडल्स पे चले जाते हैं, 1 मिनट चार्ट्स पे सिंपल, और 25 जनवरी का मैं इसीलिए आपको एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ क्योंकि उसी दिन मैंने एक अच्छा खासा बाइंग में पैसा बना था। क्योंकि स्कैल्पिंग में जब हम लोग आ जाते हैं, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि नहीं स्कैल्प कर लेंगे पैसा मिल जाएगा। अच्छा आपको याद है मैंने YouTube के अंदर अभी 3-4 दिन लाइव ट्रेड किया था, सारा दिन प्रॉफिट, स्टिल मैं 50% से ज़्यादा लॉस कर रहा हूँ, ये कैसे हुआ वो भी सिखाऊंगा। चलो चलो 25, आपको मैंने क्या बोला था, क्या ढूंढना है आपको, क्या ढूंढना है आपको, पेयर ढूंढना है। क्या आपको मिला यहां पे 1 मिनट में पेयर, मिला या नहीं मिला, मिला पेयर, रेड कैंडल का 2 पेयर का हाई या लो मार्क कर लो, 2 कैंडल का 1 मिनट चार्ट पे हाई या लो मार्क कर लो, जहां जा रहे हो उसके साथ निकल जाओ। देखेंगे बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे, अभी आपका माइंड काम नहीं करेगा जब तक मैं प्रॉफिट ना दिखाऊं। मैं बोल रहा हूं ना, मेरे को याद है कि नहीं जब मैं स्टार्ट किया था कि नहीं ट्रेडिंग से अच्छा पैसा बनता है, मैं लोगों को कन्विंस करने के लिए जाता था, तब मुझे समझ में आया इनको कन्विंस करने का जरूरत नहीं, इनको एक्शन रिजल्ट दिखाने का जरूरत है, ठीक है। तो यहां पर समझ आ गया आपको, 2 पेयर ढूंढना है, एंट्री एग्जिट बताऊंगा लेकिन 2 पेयर ढूंढना सीख गए, डोंट वरी, आपका जो मन में क्वेश्चन है ना एंड तक खत्म हो जाएगा, डोंट वरी। यहां पे अगर देखेंगे 2 आपने ढूंढ लिया, पहला कैंडल छोड़ना है, उसके बाद 2 पेयर आपको ढूंढना है, रेड और ग्रीन, बस मार्क कर लेना है लो, उसके बाद ट्रेड लेना है। आपको नहीं लग रहा होगा उस दिन मैंने 42,500 का पुट ले लिया था, सही लिया था, 95 रुपीज में मिल रहा था, बजट था उसके बाद का दिन, अरे वॉलेटिलिटी बढ़ी ही नहीं थी, समझ में आ रहा है, 2-3 दिन के बाद बजट था, मैंने बोला यही अच्छा टाइम है बाय लगा लेते हैं, और आप इमेजिन नहीं कर सकते 4 करोड़ प्रॉफिट होता अगर होल्ड करता सेम क्वांटिटी में। क्यों नहीं होल्ड कर पाया, क्योंकि मैं बाइंग में कंफर्टेबल ज्यादा नहीं हूं,
व्हाट एन इशू? इन द एंड में क्या होना चाहिए? पैसा आना चाहिए। 5-6 लाख के बाद तो आप भी सेलर बन जाओगे। अगर बाइंग में इतना पैसा बन रहा है 5-6 लाख का, तो आप भी सेलर बन जाओगे। लेकिन उस दिन 95 में मैंने परचेस किया था, 400 के आसपास बेचा। गुड रिस्क टू रिवॉर्ड ऑप्शन बाइंग में भी मैंने मोर देन 1:4-5 निकाला, यस एंड नो। तो आपको पेयर ढूंढना है। ये आपको पेयर दिख गया, इजी लगा या डिफिकल्ट था? ओके, लेट्स जंप टू नेक्स्ट। उसके बाद समय अराउंड कहां पे मार्केट क्लोज हुआ, लेट इट ओके। आपको कहां पे दिख रहा है? दो पेयर दिखा, दो पेयर दिखे, दो पेयर दिखा। नेक्स्ट डे भी एंट्री एग्जिट बताऊंगा, लेकिन रेड और ग्रीन दिख रहा है? मजा नहीं आ रहा मुझे, जैकपॉट वाला छोड़ दूंगा लग रहा है मुझे आज। इजी रहा? रेड और ग्रीन आपको पेयर दिखा, ओके ये हो गया। इतना तो हो गया कि नहीं, मैं एंट्री ले लूंगा जब क्रॉस करेगा। इन दिस केस हो रहा है। पहले से मैं आपको एक पॉइंट लिखा देता हूं, 3 ट्रेड्स अ डे लिख दो, 3 ट्रेड्स अ डे। आपका कुछ भी हो जाए दुनिया के अंदर, 3 ट्रेड से ज्यादा आपको लेना नहीं है। यस, क्लियर? ओके, ये एक ट्रेड लॉस हुआ। आप बोलोगे कि नहीं सर, मैंने यहां पे रेंज बना दिया था, यहां पे एक रेंज था, समय अराउंड इस रेंज पे था, यहां पे बाई किया, फिर सर क्या मैं सेल कर सकता हूं? सेल कर सकता हूं? अगर आपको सेल करना है करो, नहीं करना है तो 5 मिनट में शिफ्ट हो जाओ। 5 मिनट में भी आपको ढूंढना क्या है? इजी, रेड एंड ग्रीन, 5 मिनट में मिलेगा। और मैं आपको प्रॉफिट दिखा ही नहीं रहा हूं। ये प्रॉफिट आप रात को सोने नहीं देगा। और ये आते हैं लेकिन आप वेट नहीं कर पा रहे। 50, 100, 1000, 300 क्वांटिटी आप लेते हो और सोचते हो हर दिन प्रॉफिट चाहिए। रुको ना भाई, 2-3 दिन लॉस ले लो, एक दिन मिलेगा, बड़ा सा लेके जाओ घर, सो दैट नेक्स्ट 4 पैसा घर पे रहे। यस एंड नो? यहां पे आप लोगों को बड़ा ट्रेड मिलेगा। ओके, तो 1 मिनट चार्ट हो गया आपका। ओके, फिर अगर 1 मिनट में आपका अगर एसएल हिट होता है, फिर आपको 5 मिनट में स्विच करना है। आपको क्या देखना है यहां पे? पहला कैंडल इग्नोर किए, यस एंड नो? उसका बाद का दिन गैप डाउन खुला, इग्नोर किए। उसके बाद फिर आपको क्या देखना है? रेड और ग्रीन, पैसा मिला, मिल रहा है नहीं मिल रहा? चलो अभी रिसेंट में चले जाते हैं। चलो इतना हम लोग क्यों करते हैं, रिसेंट में चले जाते हैं। बैंक निफ्टी आज के डेट में क्या डांस कर रहा है, विल सी। कहा गया लेट इट। मैं बोला ना, मैं ट्रेडर हूं, ट्रेंड में मिस नहीं कर सकता। मैं आपको वही सिखा रहा हूं कि नहीं, ट्रेंड मिस नहीं करना चाहिए। अगर आपको प्रॉफिट कमाना है, ट्रेंड नहीं मिस करना चाहिए। ओके, बैंक निफ्टी आपको कहां दिखा? अच्छा चलो भाई, 5 मिनट 1 मिनट कर देता हूं। मेरे को टाइम फ्रेम में मतलब नहीं है, मेरे को ग्रीन एंड रेड्स में मतलब है। आपको दिखा? दिखा? आप बोलोगे एक ट्रेड लॉस हुआ, ठीक है, दूसरा ट्रेड? इतना प्रॉफिट आपको 40,500 से लेकर 40,400 स्कैल्पिंग के लिए तो बहुत है। 100 पॉइंट, यस एंड नो? बहुत है। और ये डिफिकल्ट डेज है, इजी डेज तो मैं बताता हूं आपको, ये तो डिफिकल्ट डेज है। चलो मान लेते हैं कि नहीं लॉसेस हुआ, उसके पहले दिन चले जाते हैं, कोई इशू नहीं। ये मैं 1 मिनट में दिखा रहा हूं। ओके, ये आपका 1 मिनट में चल रहा है। चलिए हम लोग चलते हैं उसके बाद का पहला का दिन चलते हैं। चलो समय अराउंड कहां पे है, स्टार्ट कहां से हुआ था, लेट इट, कहां पे आपको मिला? यस एंड नो? यहां से आपको यहां तक 580 से लेकर 650 स्कैल्पिंग तो डन। 540 से लेकर 580 से लेकर 640 मिला, स्कैल्पिंग डन, वहां पे मिल गया। नीचे की साइड भी मिला कि नहीं? अरे यार क्या आपको मैं जानता हूं, एक्चुअली ये साइलेंट क्यों है मैं जानता हूं, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। मैं बोल रहा हूं ना, मेरे साथ जो ट्रेड करेगा उसको 1-2 दिन डाइजेस्ट नहीं होगा, 3 दिन बोलेगा भाई तू सिखा दे क्या कर रहा है। और आपके साथ यही चल रहा है अभी। ओके, यहां पे क्या है, आपको नहीं लग रहा है? यहां पे आपको मल्टीपल एसएल हिट हो रहे हैं। 2 एसएल हिट हुआ, यस एंड नो? 2 एसएल हिट हुआ, एक और बाकी है।
हम कहाँ चले जाएंगे? अगर दोनों साइड एस एल हिट हुआ, लिख लो, दोनों साइड अगर एस एल हिट हो चुका है, आपको 5 मिनट में स्विच कर जाना है, चुपचाप चले जाओ 5 मिनट में, ये सुन लो, और 1 मिनट देख के दिमाग खराब मत करो, 5 मिनट में चले जाओ। ये समझ में आ गया? आपको करना क्या है, दो पेयर ढूंढना है, ट्रैफिक लाइट आपको ढूंढना है कि नहीं, रेड ग्रीन कहाँ दिख रहा है, हम लोग ट्रेड करेंगे। चलो यहाँ पे लॉस हुआ उसके ऊपर हम आएंगे, डेट क्या है, ये डेट कौन सा है, 1 सेकेंड, 8 मार्च का डेट है, लेट्स गो टू 7 मार्च। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि नहीं, 4-5 अगर आप देखोगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा। आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पे रेड और ग्रीन, पैसा मिला? मिला, मिला कि नहीं? चलो 5 मिनट में चले जाते हैं, 5 मिनट में आपको ढूंढना क्या है, रेड ग्रीन, कहीं से भी कोई भी चार्ट, आपको रेड ग्रीन ढूंढना है, यस और नो, मिला? और जाते हैं, आप जहां पे भी बोलोगे मैं वहां जाने के लिए रेडी हूं, मिला कि नहीं मिला 5 मिनट में? और ये सारे ट्रेड्स है, ये सारे कहां से, 40,800 से 41,000 तक पहुंच चुका है, और मैं स्क्रीन आगे नहीं बढ़ा रहा हूं, इतना भी खुश रहो। मिला कि नहीं मिला? आप बोल रहे हो 1 मिनट मेरे को बहुत डर लग रहा है, मैंने आपके लिए सेटअप दिया है 5 मिनट में करो, सेम रेड ग्रीन, रेड रेड ग्रीन, खत्म। टेंशन है इसके अंदर, टेंशन है कुछ, मिलेगा तो मिले, और रेड ग्रीन के अंदर कितना कैपिटल चला जाएगा आपका, ज्यादा एनालिसिस करोगे तो ज्यादा कैपिटल जा रहा है। यहां पर तो आपको पता है कि रे भाई 50-60-100 पॉइंट जाएंगे, क्या ही जाएंगे, यस और नो? ये तो हो गया 5 मिनट। चलो आप और कोई डेट देख लो, ये तो 2-3 दिन दिखा रहा हूं, कोई भी डेट देख लो, ओके? आज ऑप्शन बायर, यू शुड नॉट मिस द ट्रेंडिंग डे, यस और नो? ऑप्शन बायर ट्रेंडिंग डे मिस नहीं करना चाहिए। ये ट्रेंडिंग डे पैसा मिला, यहां पे भी पैसा मिला, उसके बाद का दिन देखेंगे रेड ग्रीन, अगर आप देखोगे 5 मिनट में यहां पे भी पैसा मिला, और ये एक्सपायरी डे था। अगर आप लोग उससे पहले भी देखोगे, आपको ढूंढना क्या है मार्केट के अंदर, रेड ग्रीन मिल रहा है कि नहीं? और जब 5 मिनट में आप देख रहे हो, यू कैन कंसिडर द 9:15 कैंडल ऑल्सो। क्यों? क्योंकि वो 9:15 से लेकर 9:20 का बना होगा, यस और नो? तो आपको ढूंढना है क्या है भाई, 2 पर्सन मार्केट के अंदर फाइट करते हैं, एक है बुल एक है बियर। स्मॉलर टाइम फ्रेम में लेट देम फाइट, एक बुल कैंडल आ गया, बियर कैंडल आ गया, आई विल वेट फॉर द ब्रेकआउट, सिंपल। ट्रैफिक लाइट ग्रीन रेड एंड देन गो, इजी। 5 मिनट में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पैसा मिला नहीं मिला? अभी हम लोग 15 मिनट में चले जाते हैं। आप कहां, मैं बोल रहा हूं, आज रात कितने लोग सोने नहीं वाले, इसको बैकटेस्ट करने वाले हैं? कितने लोग बैकटेस्ट करोगे? सोने दूंगा ही नहीं मैं आपको, बस बोल रहा हूं ना कि नहीं, टाइम कम है एंड ऑल, आप सो ही नहीं सकते। पैसा पहले मैं पैसा दिखाऊंगा, फिर सिखाऊंगा पैसा बनता कैसा है, तब मजा है। बस बोलोगे ये पैसा बनता है, बिलीव करो बिलीव करो। भाई क्या बिलीव करे, कितना बिलीव करे, हर दिन उठ के पूजा करना स्टार्ट कर दी और क्या करे, यस और नो? तो चलो, तो मैं, ये हो गया 5 मिनट हो गया आपका, और एक प्रीवियस ढूंढ लेते हैं। जो भी दिन का आप जाओगे, क्या यहाँ पैसा बना रेड ग्रीन, उसके बाद का दिन मिला नहीं मिला? बैंक निफ्टी, निफ्टी तो मैं आया ही नहीं हूँ। चलो 15 मिनट चार्ट चले जाते हैं। आप सेटअप 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 ढूंढते रहते हो, और मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, सेटअप हर जगह है। यहाँ पे मिला, और जाओगे पीछे मिला। आपको ट्रेंड मार्केट का पता नहीं है कहाँ चल रहा है। चलो हम लोग डेली चार्ट में चले जाते हैं, अभी मार्केट में चलो, क्या बना है, रेड ग्रीन बना था नहीं बना था, बना था नहीं बना था? मैंने बस 3 बजे थोड़ा सा शॉर्ट कर लिया, क्योंकि क्लोजिंग थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा था। मैंने आपको ये भी बताया था, एम पैटर्न है, शार्प सेलिंग आ सकती है, यस और नो? और ऐसा कैसा हो गया 800 पॉइंट खुल गया, मेरे पास 3 लाख या 4 लाख कुछ प्रॉफिट दिख रहे थे। मैंने फ्लाइट था दिल्ली का कल, मैं जब देखा 9:40 को 65 या 67 का प्रॉफिट चल रहा था, मैं शांति से बैठ गया कि नहीं अभी सेशन अच्छे से जा सकता है। और आप बिलीव नहीं करोगे, 2 दिन पहले मेरे पास पुट के पोजीशन थे, दैट टू इन हेवी क्वांटिटी में, ये सुन लो, मैंने कवर किया फिर शॉर्ट किया। अभी आपको मार्केट कहां जा रहा है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कहां जा रहा है मार्केट, वेट फॉर ए ग्रीन एंड रेड, वेट किए, पैसा मिला, पैसा मिला?
आप कौन से, आप मुझे बोलना कहाँ पे मैं स्टॉप करूंगा, कैंडल को मैं पीछे लेके जा रहा हूँ, आप बोलना कहाँ पे मैं स्टॉप करूंगा, उसी डेट से देखेंगे। 1 2 3 बोलना स्टॉप कहाँ करना है, स्टॉप मिला, रेड ग्रीन मिला। अरे आप यहां अगर एसएल ढूंढ रहे हो, मैं आपको बता रहा हूं व्हाट अबाउट दिस वन। आप अगर यहां एसएल ढूंढ रहे हो, मैं बोल रहा हूं आप एसएल ढूंढना, मैं जब पढ़ाता हूं ना लोग ना एसएल ढूंढना स्टार्ट करते हैं, प्रॉफिट तो सामने दिखते हैं, जब आप ट्रेड करते हो लॉसेस सामने दिखते हैं। आप देखे हो ना ट्रेडिंग के अंदर, जब मैं ट्रेड करता हूं, मैं पोजिशनल ट्रेड ज्यादा करना स्टार्ट कर गया हूं, लेकिन हर एक टाइम फ्रेम में ट्रेड करना जानता हूं, क्योंकि आई नो जब तक रिस्क टू रिवॉर्ड सही है कुछ नहीं हो सकता, होगा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, मैं भी लॉस करूंगा, इट्स बिकॉज ऑफ माई साइकोलॉजी नॉट फॉर द मार्केट। मार्केट को ब्लेम नहीं कर सकते, मार्केट आपको नहीं दे रहा है, मुझे क्यों दे रहा है, क्यों मैं मार्केट को कुछ एक्स्ट्रा दे रहा हूं, नहीं, इट्स जस्ट डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस और प्रैक्टिस। अभी कॉन्फिडेंस आया, पहले आपने बिलीव बनाया कि नहीं मार्केट से पैसा बन सकता है, 3-4 साल का डाटा आपने देखा, 17-18 करोड़ स्मॉल अमाउंट नहीं होता, मेरे लिए तो नहीं है भाई। और मैंने कितने पैसे से बनाए आपको पता है, कुछ लाख से बनाए, जिन लोग मेरे पुराने फॉलोअर्स हैं उन लोग जानते हैं, 2022 वी रॉक्ड इट। और मैंने आपके साथ बनाने का कोशिश किया, मैंने आपको बताया 10,000-6,000 पॉइंट फॉल हो सकता है, मैंने भाई ले लिया है 20 रुपए का कॉल पुट ऑप्शन लेके रखा है, देखा जाएगा जो होगा, समझ में आ रहा है। ये आपको रेड गेन दिखा, प्रॉफिट मिला, अच्छा चलो ये ट्रेंड आपने मिस कर दिया, आप बोलोगे कि नहीं सर मैंने ये ट्रेड मिस कर दिया, भूल जाओ ये ट्रेड, भूल जाओ आपके अकाउंट में आया, फिर यहां पे आपको रेड ग्रीन दिखा, फिर आपने ये ट्रेड बोला ये भी मिस कर दिया, आपको रेड ग्रीन यहां दिखा, कहीं तो बना लो भाई, समझ में आया नहीं आया। और एक जगह चलो चलो निफ्टी, निफ्टी थोड़ा सा चलते हैं, कहीं पे भी आप बोलोगे इसके बीच में, लेट्स गो हियर, आप बोलोगे यहां पे, आप बोलोगे यहां पे, कहीं ना कहीं जहां पे पेयर आपको दिख गया रेड ग्रीन, बस रेंज बना दो और बैठ जाओ, वहां पे दो फाइट कर चुके हैं, आपका काम कुछ नहीं होना है, उसके साथ निकल जाओ, उसके बाद न्यूज आए, ब्लास्ट हो जाए, फॉल हो जाए, हु केयर्स, कल सुबह कहीं आग लग जाए, कुछ हुए कुछ नहीं, मुझे नहीं पता अगर कोई बैंक क्रैश हो गया कुछ हुआ, आप ये सोच रहे हो कि नहीं मार्केट गैप डाउन खुला तो क्या होगा, मैं सोच रहा हूं गैप डाउन खुला तो मैं कंट्रोल कैसे करूंगा। और ये 9,000 क्वांटिटी थी, 20,000 होती तो दो तो हुई, मतलब हो चुका होता या फिर और 100-200 पॉइंट, मैं अंडरस्टूड द पॉइंट ऑफ परसेंटेज कि नहीं कितना पॉइंट मिल सकता है मैं, इसलिए आपको बड़ा टारगेट हमेशा देता हूं, सो दैट मुझे पता है आपको अगर 1:10 का बताऊं आप 1:3 में निकल जाओगे। कोई लोग मुझे मैसेज करते हैं कि नहीं सर ट्रेल सिखा दो, कंट्रोल नहीं होता सर, इतना प्रॉफिट बाद में देखते हैं रियलाइज होता है कि नहीं सर छोड़ दिए ट्रेल सिखा दो। ये इजी लगा, यस और नो? कितने लोग ऑप्शन बाइंग करना चाहते हैं? आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, लास्ट टाइम एक्सपायरी पे कितने 500 पॉइंट से ज्यादा कौन से डे पे गिरा था, कौन बता सकता है डेट? आवाज नहीं आ रही, आप समझ रहे हो इशू क्या है? आपको बनना तो बायर है, लेकिन जिस दिन एक्सपायरी में 500 पॉइंट गिरा है आपको पता नहीं है, और मैं लास्ट बता रहा हूं, आप समझ रहे हो? चांस नहीं है, 500 पॉइंट नहीं था, 500 पॉइंट जनवरी 28 को गिरा था या फिर जनवरी मंथ में एक हुआ था, 600 पॉइंट मार्केट ऊपर गया था, गिरा नहीं था ऊपर गया था। 1000 पॉइंट कब हुआ था, कौन बता सकता है 1000 पॉइंट कब हुआ था? December 29 को 600 पॉइंट, फिर से 500 समथिंग, 16 जून को लास्ट ईयर 1000 पॉइंट मार्केट गिरा था, क्या आपने पैसा कमाया उस दिन? याद नहीं, मेरे को याद है मैंने कमाया था। आप अगर ट्रेडर हो ये लाइफ में ध्यान में रख लो, 500-600 पॉइंट मोमेंटम कभी मिस नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मिस नहीं होना चाहिए इंट्राडे में, एटलीस्ट इंट्राडे में 1000 पॉइंट गिरने वाला है, और अगर आप बोलोगे मुझे 100 पॉइंट का प्रॉफिट चाहिए तो खत्म ना, आप 100 पॉइंट यहां बनाओगे, बाकी साइडवेज में 30-30, 40-40 दे दोगे मेरे को, और मेरे कमीशन ब्रोकर कोर्स सेलर उनका पैसा बढ़ता जाएगा, ब्रोकर का बढ़, आपका कैसे बढ़ेगा? एक बड़ा प्रॉफिट तो लेके आओ। मैंने आपको क्या बोला, 3 ट्रेड ए डे, इससे ब्रोकर को पैसा नहीं मिलेगा,
कैसे तीन ट्रेड हो गया, ओवर ट्रेड भी नहीं हुआ, पैसा उसको भी नहीं मिलने वाला, ये सुनो। अगर मिल गया तो आपको मिलेगा, समझ में आ रहा है? ये हमारा हो गया डेली चार्ट्स के अंदर। अभी अगर मैं बताऊं मंथली चार्ट्स के अंदर, लेट्स गो टू मंथली चार्ट। कोई एक स्टॉक का नाम बताओ, चलो। नहीं नहीं, येस बैंक करते हैं, सुबह मैंने भी येस बैंक का देखा था। तो लेट्स गो टू येस बैंक और समथिंग, एनी स्टॉक, चलो कोई भी स्टॉक लेते हैं। ओके, ITC, अच्छा चलो ITC, कोई भी ब्रदर, कोई किसी को भी देख सकते हैं। ओके, यहां पे अगर ITC, चलो छोड़ो, लास्ट देखते हैं। ओके, दिख रहा है आपको? यहां तो छोड़ ही दो, यहां पे आपको दिखा पेयर दिखा? नीचे तो छोड़ ही दो, पैसा मिला है नहीं मिला है? कितना दिमाग लगा आपका? अभी आपका दिमाग कहां लगेगा पता है भाई? कंट्रोल कैसे करूं, पैसा कैसे करूं, कितना कैपिटल यूज करूं, कितना अमाउंट लगाऊं, पैसा दिख रहा है नहीं दिख रहा है? इजी था सेटअप? डेज ऐसे भी होते हैं यू कैन प्रेडिक्ट कि नहीं, तीन या चार एक्सपायरी के अंदर मार्केट 500-600 पॉइंट गिर सकता है या जा सकता है, यू कैन प्रेडिक्ट इट। कितने लोगों को, अच्छा ऑप्शन बायर के लिए सबसे ज्यादा टेंशन क्या होता है? ऑप्शन सेलर का, भाई तू यदि साइडवे चला गया मैं क्या कमाऊंगा, यस और नो? तो आपको पहले उनका ख्याल रखना है भाई। ऑप्शन सेलर तू पैसा बना ले, तुझे जब डर लगेगा तब मैं बनाऊंगा, यस और नो? अगर 920 या 916 या एनी स्टार्डल प्लेयर अगर दो तीन वीक से पैसा बना रहा है, उसको भी डर लग चुका है कि नहीं एक्सपायरी में जाने वाला है, यस और नो? आप स्टार्ट हो जाओ, वेट करो दो तीन एक्सपायरी साइडवे चला जाए, फिर आके आपका बाइंग स्टार्ट कर दो। समझ में आया? कितने लोगों को मजा आया? मैं बोल रहा हूँ ना, टाइम का इशू है या नहीं है पता नहीं, बट मुझे बहुत सारे चीजें सिखाना है, बट करेंगे धीरे धीरे करेंगे, डोंट वरी। ओके, अच्छा ये देखो, ये अभी देखो, अभी एक सुबह मैंने जो पर्सन ने किया तो बताया था कि 500 रुपये में कुछ नहीं होने वाला, इट्स फैक्ट। आप पैसा पहले कमाना सीखो सो दैट इन्वेस्टिंग में अच्छा पैसा लगा सकते हो, देन ओनली इट विल क्रिएट ए वेल्थ। नहीं तो 1000% का रिटर्न भी आपको कुछ दिखेगा नहीं भाई लोग, समझ में आ रहा है? क्वांटिटी चाहिए, क्वांटिटी के लिए पैसा कमाना स्टार्ट करना चाहिए। ओके, ट्रेडर हुआ, मार्केट इतना गिर चुका है 400-200, दिख रहा है कि नहीं? इन्वेस्टिंग है, एंड आप लोग मुझे ट्रेडर्स में कंसिडर करते हो। क्वांटिटी कम थी भाई, ये मैं मान सकता हूं, आएगा टाइम आएगा क्वांटिटी बढ़ा लेंगे, यस और नो? करेंगे? कितने लोग यहां पे फिर ट्रेडर हो? समझ में आ गया? ओके, तो मैं और कुछ चीजें हैं बट इन फ्यूचर हम लोग करेंगे। नेक्स्ट टाइम अगर मैं कभी बताऊंगा तो फिर हम लोग जैकपॉट देखेंगे कि नहीं, 30 रुपए का 500,000 कहां जाता है। ओके ओके, तो मैं कंक्लूड कर रहा हूं। ओके, प्लीज स्टैंड अप एवरीवन। दिल्ली में पहुंचना चाहिए कि नहीं ट्रेडर्स आए हैं, और जो सेबी ने हमको रिपोर्ट भेजा है 90%, इट्स अ फैक्ट रियलिटी, 90% लोग लॉस करते हैं। ओके, हमको प्रूव करना है कि नहीं भाई, 1-2% धीरे धीरे हम लोग इंक्रीज हो रहे हैं, इतना ही रिक्वेस्ट है, और यहां से बनना चाहिए 1-2%। ऐसा नहीं कि सब लोग ट्रेडर बने, 1-2% धीरे धीरे बनेंगे, यस और नो? एवरीवन लाइक दिस, आई विल बी ए ट्रेडर। One more time, I'll be a trader. Last time, next level 10 boys. I'll be a trader. Thank you everyone. फिर मौका मिलेगा, हम मिलेंगे। Thank you. Love you.
और ये वीडियो जब YouTube में आएगा ना, कुछ क्वेश्चन हो सकता है मैं मिस किया हूँ, डोंट वरी मैं क्लियर कर दूंगा। ओके, सेटअप का नाम क्या है? ट्रैफिक लाइट, ये याद रखना। चलो चलो, थैंक यू एवरीवन। लेडीज एंड जेंटलमैन, कैन वी ऑल पुट आवर हैंड्स टुगेदर फॉर वन एंड ओनली शिवाशीष।